दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जिसने निम्न जाति का होकर भी देश विदेश में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया और भारत के पहले विधि मंत्री होने के साथ साथ संविधान निर्माता तक का सफर तय किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थीं। इनके पिता मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबटवे गांव के थे। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जो कि एक अछूत जाति कही जाती थी। इसी कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। जब वे 15 साल के थे, तब उनका विवाह रमाबाई से हुआ था। उस समय वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने सतारा के हाई स्कूल से प्रारंभ की थी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1912 में बीए की डिग्री हासिल की। बड़ोदरा राज्य में उसके बाद वो काम करने लगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में ही संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे, यानी कि यूएसए में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की, जहां गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय के सहयोग से उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने यहीं से अपनी स्नातकोत्तर की उपाधि भी पूरी की और 1917 में वे लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। इन्हें अर्थशास्त्र में पीएचडी की भी उपाधि मिली और शिक्षा से संबंधित कई अन्य उपाधियां भी बाबा साहब ने प्राप्त कर ली। जब वे मुंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, तो उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत को बहुत करीब से देखा और स्वयं भी इसे महसूस किया। कॉलेज में ही उनका पानी पीने का बर्तन अलग रखे जाने की बात उनसे कही गई। तब उन्होंने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उनके प्रयासों से ही 1932 में सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों ने लागू किया था, जिसमें दलितों को निर्वाचन में अलग आरक्षण अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। दलितों को पृथक आरक्षण के मुद्दे पर उनके महात्मा गांधी से कुछ मतभेद भी हुए, परंतु दोनों के बीच पूना समझौता 1932 में हो गया और दोनों के बीच के मतभेद इस तरह से धीरे धीरे समाप्त हो गए। बाबा साहब अंबेडकर 1926 से 1956 तक राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक इनका एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक संगठन था। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत की आजादी में भी बहुत महत्वपूर्ण सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य भी बाबा साहब चुने गए थे और संविधान सभा की अति महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के भी वे प्रमुख बने थे। बाबा साहब को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जब 1950 के दशक में बाबा साहब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करना ही ठीक समझा। 6 दिसंबर 1956 को इस महान पुण्य आत्मा का दिल्ली में अपने निज निवास पर प्रभु मिलन हो गया।
परंतु भारतीय समाज अनेक कार्यों को या उनके अनेक कार्यों को हमेशा ही याद करता रहेगा और भारतीय जनमानस को उनके सिद्धांत हमेशा ही झकझोरते रहेंगे। आज के वीडियो में आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए बने रहें सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।